उद्घाटन में पहुंचे सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, साथ ही पशुधन मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। प्राइवेट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम में शिक्षा पर जोर दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री जयवीर सिंह, विधायक मनीष असीजा, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, मेयर नीतन राठौर, सुमन चतुर्वेदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखते हैं ब्रजेश राठौर की। इसमें आप आए हैं, एक स्कूल की ओपनिंग है जिसको आपने सुना। सच में शिक्षा से ही विकास होता है और शिक्षित लोग ही विकसित होते हैं। माननीय योगी सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि सभी गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले और उत्तम शिक्षा मिले। माननीय मंत्री जी, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो काम किए थे उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 325 सीट मिले, लेकिन यूपी सरकार ऐसी क्यों फेल रही कि उसकी 2 सीटें खुद की होती मुख्यमंत्री आ गए? देखिए, ये सवाल आपका इसलिए औचित्यपूर्ण नहीं है। 2 उपचुनाव में 2 सीटों पर आप ऐसी बात कर देंगे कि यूपी सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। ये दो चुनाव हुए उपचुनाव। हमारी सरकार ने, हमने योगी सरकार ने इस चुनाव विकास के नाम पर ही लड़े। गोरखपुर और फूलपुर का इतना विकास हुआ है, शायद इतने विकास हुआ नहीं कभी भी। और उत्तर प्रदेश में तो किसी भी सरकार की 2 प्राथमिकता होती है, विकास और सुरक्षा। योगी सरकार इन दोनों प्राथमिकताओं में खरी उतरने का काम किया है। आज सरकार को 1 वर्ष हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वच्छ पेयजल हो, स्वास्थ्य हो और दवाओं का प्रबंध हो, इस तरीके से बिजली की व्यवस्था हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, सारी व्यवस्थाओं में योगी सरकार सफल है। और सभी तरीके से कृषि में सुधार करना, किसान का 1 लाख का कर्जा माफ़ करना और सिंचाई की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पर ड्राप मोर क्राप, माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर, इसके लिए भी 1 लाख कर्जा जो माफ़ किया है, इससे ज़्यादा बड़ा काम योगी सरकार ने किया है कि किसानों को, जो लघु सीमांत और सीमांत किसान है, इसको इसमें 90% का अनुदान, और बड़े किसान हैं इनको 80% का अनुदान। माइक्रो इरीगेशन जैसे इसराइल पद्धति पर उत्तर प्रदेश में भी किसान की आय दुगनी हो, योगी सरकार ने माननीय मोदी जी की नीतियों को, जमीन को उतारने का काम कर दिया है। हमने 1 साल में हमारी सरकार ने वो काम किया है जो पिछले कभी हुआ ही नहीं। तो आप ये कह सको, यहाँ पर हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़े। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट, वहाँ जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका संज्ञान हमने ले लिया। माननीय मंत्री, जिस प्रकार अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, एक सेक्रेटरी ने काम करने के पैसे मांगे, विधायक कहता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देता है, क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं है? अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण है, पूरा अंकुश लगा दिया गया, सीधे सीधे माननीय योगी जी ने ट्रांसफर शुरू कर दिए। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा वो अच्छी जगह पर होगा और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका स्थान रद्द कर दिया जाएगा, जेल में भी भेजा। नहीं, आखिर ग्राम पंचायत अधिकारी एक विधायक पर मुकदमा लिखा देता है कि मुझे पीटा है, कोई काम की कहता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है? नहीं, इसका भी संज्ञान लिया है, इस पर कार्रवाई। जिस तरह से थानों में बीजेपी कार्यकर्ता